ओके, रोटेशनल मोशन, कुंडन गति टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताया, उसके दो थ्योरम बताए, सात बॉडी का हर एक्सिस पे आई निकालना सीखा। फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस के अंदर मैं अलग अलग वैरायटी आपको करा रहा था। फिर मैंने रेडियस ऑफ गायरेंस, घूर्णन त्रिज्या बताई, और फिर वापस आपको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करने के लिए वही आई का फॉर्मूला यूज किया था। क्लियर? तो अभी हम आई के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि आई का पक्का क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक की जान है। तो आज मैं आपको फिर अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? बोलो, वेराइटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको पक्का बता रहा हूँ कि वो सात बॉडी से ही सब काम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक तरह से आप स्पेशल नोट मान लो, जो अपने आप में क्वेश्चन ही होंगे। जैसे मैंने कहा, वर्गाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है? जड़त्व आघूर्ण मैंने कहा आई ऑफ स्क्वायर प्लेट, ठीक है? क्या लिखा मैंने, बोलो? वर्गाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? हमारी सात बॉडी में कहीं वर्गाकार प्लेट आई क्या? नहीं आई। लेकिन इतने बड़े हो गए ये तो जानते हैं, स्क्वायर प्लेट का मतलब होता है जिसके, बोलो, चारों क्या होती है? समान होती है। और आयताकार का मतलब क्या होता है? जिसकी ये और ये अलग अलग होती है। इतना तो जानते हैं ना। अब मैंने कहा, बोलो आपसे, वर्गाकार प्लेट का, बोलो, मैंने कहा, बोलो, लंबवत, ठीक है, लंबवत अक्ष के सापेक्ष, बोलो, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है? जड़त्व आघूर्ण मतलब मैंने कहा, अरे कोई ना कोई अक्ष तो करना ही पड़ेगा, बोलो बोलो। ये पूछने जा रहा हूँ और यही पूछने जा रहा हूँ ना। अच्छा, ये पूछने जा रहा हूँ मतलब ये लिख दूँ, समझ जाओगे, बोलो? अरे यही तरीके होते हैं फिजिक्स में किसी चीज को बताने का। मतलब मैं आई क्या पूछने जा रहा हूँ, किस अक्ष के, बोलो, जो परपेंडिकुलर अक्ष है, ठीक है? बोलो आई आपसे, मैं स्क्वायर प्लेट, मैंने कहा ड्यू टू, मैंने कहा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है, तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, ठीक है? अब मैंने कहा मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं है, बोलो ऑप्शन आएंगे कैसे करूंगा। तो मैंने कहा, मैंने सात बॉडी सिखाई है, बोलो, मतलब मैं आपको राज की बात बताना चाह रहा हूँ कि बचपन से वही सात बॉडी क्यों पढ़ाई जाती है, रीजन क्या है। देखो, मुझे ये निकालना है। तो मैंने कहा, यार बोलो आपसे, मैं कह रहा हूँ, बोलो, ये स्क्वायर प्लेट जो है, बोलो, स्क्वायर प्लेट, अरे स्क्वायर प्लेट भरी हुई होगी कि खाली होगी, बोलो? भरी हुई होगी। अरे भरी हुई होगी, बोलो। अच्छा, ऐसे भी भरी हुई होगी और ऐसे भी भरी हुई होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो? होगी कि नहीं होगी, बोलो? होगी कि नहीं होगी, बोलो? अच्छा, मुझे राज की बात समझ में आई कि वो स्क्वायर प्लेट है क्या, बोलो। इस तरह से बहुत सारी रोड से मिलके बनी है और इस तरह से भी बहुत सारी रोड से मिलकर बनी है। समझे नहीं समझे, बोलो? क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? तो मैंने कहा, ये मेरा आई एक्स है और ये मेरा आई वाई है और मुझे आई जेड पता करना है। क्लियर? तो मैंने कहा, बोलो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोलो? क्लियर? अच्छा, मैंने कहा आई एक्स हो या आई वाई हो, हमें रोड का ये पता है कि नहीं पता है? आपको के बिल्कुल पता है, एम ए स्क्वायर बाय 12। अरे समझे समझे, बोलो बोलो। वहाँ छोड़ में हम एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखते थे, यहाँ पर, बोलो, यही दूरी क्या है, बोलो, ये लंबाई क्या है, ए है, तो मैंने ए लिख दिया। बी देंगे तो बी लिख दूंगा, एल देंगे तो एल लिख दूंगा, बोलो। बात समझ में आए? अच्छा, फिर तो 16 ही हो गया। क्या हो गया, बोलो? एम ए स्क्वायर बाई 12, और एम ए स्क्वायर बाई 12, 12 लिया, एलसीएम, बोलो, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, बोलो, 2 एम ए स्क्वायर बाई 12, और मुझे पता चला एम ए स्क्वायर बाई 6। पहले बताओ मैंने कैसे किया, समझ में आया, बोलो? मेरे कहने का मतलब है,
क्यों हम किताबों में वर्गाकार प्लेट नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वर्गाकार प्लेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वर्गाकार प्लेट बोलो असंख्य छड़ों से मिलकर बनी होती है। मुझे एक छड़ का पता है, मैं काम कर लूंगा। बोलो बात समझ में। अच्छा, ये एक तरह से क्वेश्चन समझ लो, मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूँ, पहले ये नोट करो। बहुत सारी रॉड्स, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है मैं उसको किस में बता रहा हूँ, बोलो, स्पेशल नोट में, ठीक है। वन नोट बोलो। ठीक है, आ जाए नंबर टू स्पेशल नोट। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्पेशल नोट नंबर टू, मैंने कहा आयताकार बोलो प्लेट का लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। बोलो ये मुझे कोई पूछ ले, ठीक है, और आयताकार की भुजाएं ए और बी है, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आई ऑफ रेक्टाएंगुलर बोलो, मैंने कहा प्लेट, ठीक है, प्लेट ड्यू टू, मैंने कहा परपेंडी बोलो, परपेंडिकुलर बोलो एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है, तल के लंबवत। ध्यान से समझो, अभी मैंने ये क्या बताया था बोलो, ये स्क्वायर प्लेट का बताया था, क्लियर। और मैंने कहा सात बॉडी ही पढ़ते हैं, बाकी सारी बॉडियों का उन्हीं से निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको कहा ये प्लेट जो है स्क्वायर प्लेट, जिसकी चारों भुजाएं ए होगी, तो मैंने कहा इसमें बोलो मुझे ये निकालना है बोलो लंबवत अक्ष, तो क्या होगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। फिर मैंने देखा ये ऐसे भी बहुत सारी रोड से मिलकर
बनी है, ऐसे भी बहुत सारी रोड से मिलकर बनी है। और यू करूं या यू करूं, रोड की भुजा की लंबाई क्या है? ए, तो ए आई एक्स हो या आई वाई हो, क्या नाम हो जाएगा? एम एम एल स्क्वायर अपॉन 12 की जगह एम ए स्क्वायर अपॉन 12। तो दोनों का मान लिख दिया और सोल्व कर दिया। ये किसका बताया था बोलो, बोलो वर्गाकार प्लेट का। इसी आधार पर इस बार मैंने कहा आयताकार प्लेट का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब ये होता है बोलो, ये अगर ए है तो ये क्या है? बी है। बोलो वर्गाकार प्लेट और आयताकार प्लेट में यही अंतर होता है? कोई बात नहीं, मुझे ये पूछना चाहता है, अरे ये पूछना चाहता है, आई जेड पूछना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है करूँगा तो क्या, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, कोई बात नहीं, आई एक्स, अच्छा ये रहा 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 ये रहा, बताओ आई एक्स मेरे लिए क्या बनेगा? एम बी स्क्वायर अपॉन 12। बोलो बात समझ में? और समझे ही समझे बोलो, मुझे आई वाई चाहिए, ये आई वाई वाला असंख्या इन्हीं प्लेटों से मिलकर बना होगा, बोलो इन्हीं प्लेटों से मिलकर बना होगा, और मुझे पता है इस आई वाई का मान, बोलो एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12, क्योंकि इस बार लंबाई कितनी है रोड की? ए है। दोनों मिल चुके हैं, बोलो मैं सोल्व कर लूँगा, आई जेड क्या लिखूँगा? बोलो एम, बोलो बी स्क्वायर अपॉन 12, एम ए स्क्वायर अपॉन 12, अरे बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एम अपॉन 12 को कॉमन लिया, अरे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बोलो आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। पहले बताऊँ मुझे मेरी बात समझ में आएगी नहीं, तो ये अलग से क्यों ध्यान रखें, ये तो हम सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आए कि क्यों बचपन से हमें वर्गाकार प्लेट आयताकार प्लेट क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। बोलो रोड का पता है तो आप अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है, सॉल्व करोगे। बोलो बात समझ में आए? अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो क्लियर? ठीक है, ये दोनों वेराइटीज जो क्वेश्चन बनते हैं मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूँ, ठीक है, हटा दो ये। बोलो ओके, ये हुआ नोट। बोलो पहले बताओ दोनों सेम ही थे कि अलग थे? बोलो सेम थे। अगर मुझे कोई कहे कि बोलो इसकी जगह वर्गाकार प्लेट हो गई तो ए बराबर बी, अरे बोलो वापस वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे एम ए स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो क्लियर? तो मतलब दोनों सेम ही हैं, क्लियर? आयत और वर्ग, वर्ग और आयत में अंतर समझते हो ना? बोलो तीसरा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, हटा दो ये। बोलो ठीक है, अब इधर देखो, तीसरा स्पेशल नोट
वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी जिससे क्वेश्चन आते हैं आपको। मैंने इधर ध्यान देना, रिंग, डिस्क, गोला सब सिखाया मैंने, क्लियर। उनके फॉर्मूले भी बताए आपको। अब अगर एग्जामिनर ऐसा कहे, यदि एल लंबाई ठीक है के तार को मोड़कर एक वले मतलब क्या, रिंग ठीक है, बनाई जाती है ठीक है, जाती है तो उसका जड़त्व आघूर्ण ठीक है। इधर ध्यान देना, यही क्वेश्चन होता है जिसको मैंने स्पेशल नोट में लिख दिया। मतलब क्या होगा बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि इमेजिंग करो ये एल लंबाई है ठीक है, बोलो इसको मैंने करके क्या बना दी, एक रिंग बना दी, क्या बना दी, एक रिंग बना दी ठीक है, बोलो रिंग बना दी। तो मैंने कहा बोलो ये रिंग बना दी, बोलो आर त्रिज्या वाले ठीक है, तो मैंने कहा इसका आई क्या होगा, आप कहोगे एम आर स्क्वायर होगा, क्या होगा बोलो, एम आर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन तो मुझे एम आर स्क्वायर के रूप में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे आर तो दिया ही नहीं, मुझे तो एल दिया। इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूले को किस में बदलना पड़ेगा, एल में बदलना पड़ेगा, बहुत आसान। मैंने कहा एल बराबर, अरे टू पाई आर करूंगा नहीं करूंगा, आज मुझे कोई के इस रिंग की लंबाई क्या है बताओ, टू पाई आर करूंगा, बोलो काम हो गया अपना। बोलो आपसे मैं करूं क्या करूंगा, आर की जगह क्या लिख सकता हूं, एल अपॉन टू पाई कर दूं यहां पर पुटअप, बोलो क्या करना है, एल अपॉन टू पाई का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर, फटाक से टिक कर दोगे नहीं कर दोगे बोलो, क्या तरीका सिखाया मैंने। अगर आपको एल लंबाई देके कोई भी संरचना बनाए आपको, बोलो उस फॉर्मूले को, फॉर्मूले तो आपको पता ही है, रिंग का पता, डिस्क का पता, सॉलिड गोला, होल गोला सबका पता है आपको, आंसर अगर एल में मिलेंगे तो एल में कैसे कन्वर्ट करोगे समझ में आया बोलो, फटाक से करके टिक कर दोगे, बात समझ में आए बोलो, नोट करोगे ठीक है। आपको मेरी बात समझ में, बोलो क्वेश्चन है उसको मैंने किस में डाला बोलो, अरे बोलो अपन ने स्पेशल नोट में देख रहे हैं, क्लियर। बोलो वैरायटी बता रहा हूँ, ऐसा आएगा तो आप कैसे करोगे ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको ठीक है। आगे बढ़े ठीक है, स्पेशल नोट नंबर फोर्थ, स्पेशल नोट नंबर फोर्थ ठीक है। फोर्थ क्या बता रहा हूँ, एक एल लंबाई की छड़ है, इधर देखो एक एल लंबाई की छड़ है क्लियर, एक और एल लंबाई की छड़ है, उनको अपन ने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, और फिर मैं आई निकालना चाहता हूँ ठीक है। बोलो ये एल लंबाई की छड़ है, ओके, बोलो ये फिर एल एक लंबाई की छड़ है, बोलो ये भी क्या है, बोलो एल लंबाई की छड़ है, और मैं ये निकालना चाहता हूँ ठीक है। बोलो ये क्या है, बोलो एल लंबाई की छड़,
मास क्या है एम, ये भी क्या है बोलो एल लंबाई की छड़ मास क्या है एम, और ये मुझे निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बोलो आपसे, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यदि दो एल लंबाई, बोलो आपसे मैं कहूँ तथा एम द्रव्यमान, ठीक है, एम द्रव्यमान की छड़े, बोलो आपसे मैं चित्रानुसार रखी गई है, ठीक है। तो मैंने कहा तल के लंबवत, ठीक है, बोलो तल के लंबवत अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो इसका भी इंडिविजुअल जानता हूँ और इसका भी इंडिविजुअल जानता हूँ, तो बताओ मेरा आई क्या हो जाएगा, और I1 + I2, क्लियर। मेरे लिए ये पहली छड़ हो गई, मेरे लिए ये दूसरी छड़ हो गई। मुझे पता है I1 क्या होगा, ML बोलो स्क्वायर डिवाइड बाई 12, और बोलो I2 क्या होगा, बोलो ML² / 12। मेरी बात समझ में आए? अच्छा तो बोलो क्या करूंगा, ML² / 12 + ML² / 12। अच्छा अब चूंकि मास इक्वल है, लंबाई इक्वल है, तो मेरा आसान हो जाएगा। अगर मास अलग होते, लंबाई अलग होती, तो इतना ही हो जाता। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर, बोलो 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 एम, मैंने कहा L² / 6 लिख दो, चल जाएगा। और हाँ के ना बोलो, दोनों सेम है, कॉमन लूंगा, 1 + 1 = 2, 2 से 12 से घटा, कितना होगा नीचे 6। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अच्छा किसी के दिमाग में जब मैंने बताया तो ये आ सकता था कि सर अलग अलग लंबाई ले और अलग अलग मास ले तो भी हो जाएगा, बताओ इतना तो सेम ही होगा ना। अरे बोलो एम की जगह M1 हो जाएगा, एल की जगह L1 हो जाएगा, एम की जगह M2 हो जाएगा, एल की जगह L2 हो जाएगा। अरे समझे समझे, हाँ आगे सोल्व नहीं होगा। अरे समझे ही समझे, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। दो समान लंबाई समान द्रव्यमान के यूं रखे, दो असमान लंबाई असमान द्रव्यमान के यूं रखे, लंबवत अक्ष पूछे, तो बताओ करना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो नोट करोगे। ठीक है समझ में आया बोलो आपको। अच्छा
अगेन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूँ। आया समझ में? बोलो पैटर्न समझ में आया? नंबर 5, इससे भी जबरदस्त पैटर्न, क्या इधर ध्यान देना। मैंने कहा यदि एल लंबाई ठीक है तथा एम द्रव्यमान की एक छड़ को बी को आपसे मैं कहूँ बीच में से मोड़ कर, बीच में से मोड़ कर, बीच में से मोड़ कर, क्लियर? बीच में से मोड़ कर मतलब ध्यान से समझना, ये एम द्रव्यमान की और एल लंबाई की छड़ थी, इसको मैंने बीच में से मोड़ कर, बीच में से मोड़ कर, बीच में से मोड़ कर, बोलो इस तरह से, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बीच में से मोड़ कर, बोलो मैंने कहा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री के कोण पर रखता हूँ, ठीक है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कोण पर कर देता हूँ, ठीक है देता देता बोलो कर देते हैं, ठीक है कर देते हैं, तो इसके सिरे बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ से पारित पारित, मैंने कहा तल के लंबवत लंबवत बोलो अक्ष का जड़त्व आघूर्ण। ध्यान से समझना जो मैंने किया वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार मैं बोलो ये पूछना चाह रहा हूँ, और बोलो ये पूछना चाह रहा हूँ ना, अब मैंने कहा जब ये एम लंबाई एम मास और एल लंबाई की थी, बताओ बीच में से को मोड़ दिया तो बताओ अब ये लंबाई कितनी हो गई? आपको हो गए सर ये तो L/2 हो गए, और बोलो ये कितनी हो गई? आपको हो गए सर ये भी L/2 हो गए, क्लियर? अच्छा अब इसका मास कितना हो गया? M/2 हो गया, और इसका मास कितना हो गया? आपको हो गए सर M/2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बोलो, क्लियर? अच्छा मुझे निकालना है इसका आई, बताओ क्या करना पड़ेगा? आई नेट इज इक्वल टू पक्का I1 + I2 करना पड़ेगा, हाँ कि ना? अच्छा आपको किसी भी छड़ के सिरे से पारित तल के लंबवत पता है ML² / 3, और है कि नहीं है बोलो? इसका मतलब हुआ बोलो आई नेट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ML² / 3, बोलो M-L-, बोलो एम, बोलो मैंने कहा L² / 3। अच्छा M- मुझे पता है M/2, L- मुझे पता है L/2, समझे नहीं समझे बोलो, याद है कि नहीं याद है बोलो? और एक छड़ के दो ही तो करते थे, एक तो बोलो ये और एक बोलो सिरे वाला, ये करते थे ML² / 12 आता था, सिरे वाला करते थे ML² / 3 आता था, और बोलो समझे नहीं समझे, हाँ कि ना? अच्छा बताओ M- क्या है? M/2, L- क्या है? L/2, रखूँ मैं बोलो यहाँ पर तो बताओ आई नेट क्या होगा? बोलो यहाँ पर लिखा M/2, यहाँ पर लिखा L/2, नीचे लिखा अरे इसका तो स्क्वायर करूँगा, बोलो बा करूँगा नहीं करूँगा बोलो? अच्छा नीचे क्या करूँगा? 3, बोलो यहाँ पर क्या करूँगा? M/2, यहाँ पर क्या करूँगा? L/2, नीचे तो क्या आएगा? 3, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही? बोलो नोट बाद में करो, समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अब मुझे करना आगे सॉल्व, ठीक है बोलो सॉल्व करना है। आई नेट बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 और आपसे मैं कहूँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा ML² / 24 लिख दूँ तो चलेगा बोलो, हाँ के ना? एक बार वापस बताऊँ, पता चल गया? और पता चल गया L² / 2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ ये L² / 4 होगा नीचे, अच्छा 4 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 8, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 24। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? अच्छा तो फिर इधर भी चुपके से यही लिख दूं, अरे सेम ही तो है ना,
बोलो बात समझ में आए। अच्छा पूरा सोल्व कर लेंगे तो आप मुझे बताओ एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो क्लियर। आपको कहानी समझ में आए, बोलो बोलो। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में आते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। एक क्षण को आधा मोड़ कर बोलो आपसे मेरे को ऐसे कर दे, फिर उस सिरे से पारित पूछे तो क्या होगा, बोलो। जो पहले वाली छड़ का यहाँ से था वही हो जाएगा। और यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, बोलो। अरे समझे सब, पता हो सोल्व करने की भी जरूरत का है। प्रूव कर दिया मैंने, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। एक छड़ का अपने द्रव्यमान केंद्र से पारित तल के लंबवत क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। अब मैं अगर उस छड़ को बोलो ऐसे मोड़ कर बोलो आपसे मैं करूँ उसके बोलो लंबाई आदि कर दूँ, द्रव्यमान लंबाई आदि द्रव्यमान आदि वैसे ही हो जाएगा, तो उसके सिरे से पारित कुल पूछूँ तो वो क्या आता है, बोलो। जो पहले छड़ का तल के लंबवत दरमान केंद्र से पारित था, ठीक है, नोट करोगे। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको।
पहले बताओ, आज जो मैंने क्वेश्चन करा है, जो हमने पहले पढ़ा था उसी को यूज किया, और खाली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा कर आपके माइंड को थोड़ा और डेवलप किया कि और कैसे कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फॉर्मूला वही आपके सामने एल के रूप में पूछ लिया तो कैसे कन्वर्ट करोगे, समझ में आया बोलो, वो सिखाया मैंने। क्लियर? छड़ वही बोलो, बात समझो ना। तो आई थिंक आयताकार प्लेट हो, वर्गाकार प्लेट हो, उनके भी कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब छड़ बड़ी काम की है। आज के सारे क्वेश्चन छड़ पे ही तो बेस्ड थे। बोलो, आयताकार प्लेट का भी छड़ से किया, वर्गाकार प्लेट का भी छड़ से किया, और सबके बोलो क्वेश्चन छड़ से ही किए ना। बोलो, बात समझो ना। ओके, तो अब हम आई अच्छे से सीख चुके हैं, बात समझो ना। अब हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे, बोलो, कोणीय संवेग। फिर क्या सीखेंगे, बल आघूर्ण। फिर क्या सीखेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण। फिर क्या सीखेंगे, लौटने गति। बोलो, बात समझो ना। शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। बोलो, बात समझ में। अभी तो हमने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और इस टॉपिक की जान जड़त्व आघूर्ण पढ़ा है। क्लियर? और जड़त्व आघूर्ण तो हर जगह आएगा ही आएगा। बोलो, बात समझ ना। ओके।